I'm a Merkham. Lift the plane with his fire, I'ma burn him. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn him. अभी नॉर्थ पोल में पहुंच गए हैं, ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमने अपना परमिट जमा करा दिया है। ये अब हमारी बाइक खड़ी है, इस पीछे कॉफ़ी मंगाई है और कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलेंगे। अब हम नॉर्थ पोल से आगे निकल रहे हैं हंदर की ओर, नुब्रा वैली की ओर। तो अभी सीधा हम जाएंगे डिस्किट। 108 फुट का बुद्धा स्टैचू दिखाएंगे आपको। ऑलरेडी मैंने 2008 में भी डिस्किट पर गया था और काफ़ी इंजॉय किया था। और ये पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा पानी, आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। विद इन वीक ही आपको बर्फ़ पिघल जाएगी, फिर उसके बाद फिर रोड की कंस्ट्रक्शन होएगी। ये पत्थर में दिक्कत होती, वाटर क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं होती। तो गाइस, नॉर्थ पोलो से उतर के ये फर्स्ट विलेज आया है खरदुंग। और खरदुंग में हमने लास्ट जो 2018 में विजिट किया था, तो यहाँ पे हमने लंच किया था। मैंने, सुरेंद्र भाई ने और जॉन भाई, हम तीन लोग थे और हमने यहाँ पे लंच किया था खरदुंगला से उतर के। अगर आपको लंच वगैरह करना हो दोपहर हो जाए, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है खाने पीने की, गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे। खरदुंग से हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं, आगे है खलसर। और मैं एक बहुत ही प्यारे व्यू के लिए रुक गया हूँ। ये देखिए कितना शानदार व्यू है। और पहाड़ देखो यार, ये देखो नीचे, ये देखो यार, बहुत ही खूबसूरत। वो है खरदुंग विलेज, वो सामने जो है, वहीं से आए हैं हम। तो व्यू बहुत ही शानदार है, चलते हैं आगे। तो ये मेरे आगे कोई टूर जा रहा है, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे टूर चलते हैं। इसमें एक मैकेनिक होता है, सब कुछ होता है, बैकअप पूरा होता है बाइक का। बाइक भी ये खुद प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक। बेस कैंप प्रतापपुर। तो हमें लेफ्ट जाना है अपना डिस्किट के लिए। तो यहाँ से 15 किलोमीटर है डिस्किट, प्रतापपुर डिस्किट अंदर अंदर। और ये बिल्कुल लंबा स्ट्रेच है। समय जो हुआ है 4 बज गए हैं और 14 किलोमीटर जाना है डिस्किट के लिए। और 2018 में हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की थी, अभी जहाँ पे मैंने फोटोग्राफी की है। तो 3 साल में बहुत चेंजेस आ गई यार, बहुत कुछ। वो नई पीछे बस स्टैंड बन गया, वो दुकानें बन गई हैं, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, रोड वैसी की वैसी है। और डिस्किट यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा बुद्धा का स्टैचू, इसकी मोनेस्ट्री यहाँ की फेमस है। और ये है गेट। तो डिस्किट मोनेस्ट्री यहाँ से 1 किलोमीटर है और स्टैचू भी 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। तो 3 साल बाद दोबारा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा। और ऊपर से इतना अच्छा वैली का व्यू नज़र आएगा ना, बहुत ही शानदार। तो अब मिलते हैं सीधे ऊपर आपको। चार बज के 30 मिनट हो गए हैं, हम हैं डिस्किट में। और ये पीछे देखिए स्टैचू, गौतम बुद्धा का स्टैचू 106 फुट का। और ये हमारे भाई लोग खड़े हैं। तो अभी हमने फ़ोटोग्राफी करी है और मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ से पूरी ये वैली नज़र, नुब्रा वैली नज़र आती है। ये देखिए पीछे देखिए, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नुब्रा वैली है, पूरी नुब्रा वैली है। बस अब नेक्स्ट है हुंदर। हुंदर में तो हमने रुकना नहीं है, उसके बाद सीधा हम निकल जाएँगे तुरतुक तयाश की विलेज में। वहाँ से भी अभी हमें
दो तीन घंटे लगने वाले हैं। अभी तक का सफर कैसा रहा? अभी तक का सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आगे, इतना अच्छा लगा मैं चाहूँगा कि हर साल मैं आपके साथ ले करूँ दोबारा। और खोना नहीं है सर? आप कुछ नहीं खोना। ये है मोनेस्ट्री, ये देखो पीछे डिस्किट मोनेस्ट्री है सामने, और ये 106 फुट का बुद्धा जी है। 106। तो गाइस हम डिस्किट से निकल पड़े हैं, गर्मी बहुत है भाई, पसीना पसीना हो गया यार। नीचे इनर पहना हुआ है, ऊपर से ये 25 किलो की जैकेट, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये नुब्रा वैली आप देख रहे हैं, नुब्रा वैली। तो समय हुआ है 5:02, तो त्याक्षी का जो डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर होना चाहिए अभी भी, तो हमें मोर देन 2 आवर्स लगने वाले हैं। अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो 2 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2018 में तो रोड बहुत ही मस्त रोड थी, बहुत साफ़ सुथरी रोड थी। तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि रोड अच्छी मिलेगी, क्योंकि पूरी आर्मी का एरिया है और आर्मी आती जाती रहती है उस रोड पर। तो ये देख लीजिए बुद्धा स्टैचू, और गेट से हम वापसी जा रहे हैं। तो गाइस नुब्रा वैली जिस चीज़ के लिए फेमस है, ये देखिए सामने सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स बहुत हैं यहाँ पे। और जो हुंदर है, हुंदर में भी काफ़ी सैंड ड्यून्स हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है, जैसे कैमल राइड वगैरह और भी कई एक्टिविटीज़ करवाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए, और खूब इवनिंग में तो काफ़ी वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। ये देखिए सामने कितने रेत के टीले हैं, यहाँ पे पूरी रेत ही रेत है। और ये नुब्रा वैली जो है वो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इसको। अभी हम डेजर्ट के अंदर से निकल रहे हैं इस समय, दोनों तरफ रेत के टीले हैं और बीच से हम निकल रहे हैं। उंदर 3 किलोमीटर है सिर्फ, लेकिन हमने उंदर नहीं रुकना, हम आगे निकल जाएंगे तुरतुक से। आगे जो गाँव है त्याशकी लद्दाख सैंड ड्यून्स, ये है देखिए व्यू पॉइंट, ये देखिए पूरा सैंड ड्यून्स है। पीछे सारे कैंपिंग साइट्स हैं, कैंप लगे हुए हैं रुकने के लिए। तो गाइस हुंदर में आप सभी का स्वागत है, हम पहुंच गए हैं हुंदर में। तो यहाँ जाना पड़ेगा हुंदर के लिए आपको राइट, हम सीधे जाएंगे तुरतुक, 77 किलोमीटर है तुरतुक। तो ये रास्ता तुरतुक को जाता है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का पार्ट है। वेलकम टू हुंदर ब्रिज। तो ये हुंदर ब्रिज है, और आस पास देखिए स्तूपास चारों तरफ हमारे। बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है गिलगित बाल्टिस्तान। माउंटेन से जो रास्ता जा रहा है काफ़ी नैरो है, जिसकी वजह से नया ब्रिज बनाया जा रहा है और रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। तो 2018 में जब मैं आया था तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा था, तो इसी बार ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत ही शानदार आयरन ब्रिज है, और साथ में लेफ्ट हैंड पे बहुत ही खूबसूरत रिवर आ रही है। तो ये देखिए ये पूरी माउंटेन को काट के रास्ता बनाया गया है, ये सिर्फ वन वे है, यहाँ पर सिर्फ एक ही व्हीकल एक टाइम में निकल सकता है, जिसकी वजह से नया ब्रिज बनाया जा रहा है और यहाँ से रास्ता भी चौड़ा किया जा रहा है। ये देखिए अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो लगभग 6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं त्याक्षी, जो कि लेह से लगभग 207 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। यहाँ देखिए टूरिस्ट कितना रुक के यहाँ पे एंजॉय करके जाते हैं। तो मैं बता रहा था इस रीज़न के बारे में आपको बता दूँ, ये जो है हम जा रहे हैं जहाँ पर त्याक्षी तुरतुक और थांग विलेज है, वो पूरा बाल्टी रीजन है ये सारा। और मैं बता दूं 2010 के बाद ही ये टूरिस्ट के लिए ये पूरा रास्ता खोला गया, इससे पहले 62 साल तक यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था। 1971 से पहले ये पाकिस्तान के अंडर था, उन्होंने हमारा ये एरिया कैप्चर कर रखा था, तो 1971 के बाद हमने इसे रिकैप्चर किया गया है। तो ये कोई सामने विलेज आ रहा है, चालुंखा विलेज आई थिंक। और सभी गांवों की एक खासियत हमें देखी है कि गांवों के आसपास बहुत ही ग्रीनरी है, उन्होंने अपने आसपास काफ़ी पेड़ पौधे, एक आर्टिफिशियल जंगल लगा रखा है अपने आसपास, वहां पे वो ये खेती करते हैं, और काफ़ी कुछ मतलब कि खूबसूरत अपना गांव बना रखा। हर जो भी हम गांव से गुजर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है ये एरिया।
और मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको। आगे धीरे धीरे जैसे हमारा सफ़र चलता रहेगा मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताता रहूँगा, ताकि हमारा सफ़र बहुत ही प्यार से और मज़ेदार निकलता रहे और आप भी एंजॉय करें हमारे इस सफ़र को। तो ये है शायोक वार मेमोरियल। तो अभी समय तो नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं और वहाँ पे टैक्सी में पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगी, तो वापसी में हम कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लोर करने की। तो अभी बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, सूरज बिल्कुल ढलने वाला है। आप देख पा रहे होंगे माउंटेन के ऊपर बिल्कुल रोशनी आ रही है, जो आधा माउंटेन ढका हुआ है। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल रिवर के साथ चलते जाएंगे, जो कि शायोक रिवर के साथ साथ चलेंगे अब हम। और ये व्यू देखिए यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, चारों तरफ माउंटेन का व्यू एकदम अनोखा है। तो गाइस ये बोगडाओ विलेज आ गया है। कोई लास्ट टाइम जब मैं 2018 में आया था तब भी मैंने थोड़ा देर यहाँ पे स्टे लिया था, ड्यू टू थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पे सिग्नल काम नहीं कर रहे थे मोबाइल के, तो मैं थोड़ा पता किया था कि आगे कितना और डिस्टेंस है। तो काफ़ी बढ़िया खूबसूरत गाँव है, और ये तीन चार गांव जितने भी हैं सारे मुस्लिम एरिया है, और यहाँ पे लद्दाखी, बाल्टी, उर्दू और हिंदी भाषा इन एरियों में बोली जाती है, और पूरा बाल्टी कल्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बाल्टी रीजन है पूरा। और पीओके के बाद बाल्टी गिलगिस्तान शुरू हो जाता है प्रॉपर, और वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं इस गाँव को। तो गाइस हम पहुंच गए हैं तुर्तुक विलेज में। ये मेरे पीछे देखिए पूरा तुर्तुक विलेज है, ये सामने देखिए। निकल चुके हैं, समय बता दूं मैं 7:25, 2.5 घंटा हो गया मैं मतलब कि डिस्किट से चले हुए, और 2 hours and 25 minutes में हम तुर्तुक में पहुंच गए हैं, जबकि बहुत खींची हमने। तो अभी हमारे दोनों भाई आ जाते हैं फिर हम चलेंगे आगे। जोगिंदर भाई तो आगे लग रहा है। अभी हम हैं तुर्तुक में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको तुर्तुक हम पहुंच चुके हैं, और जो टैक्सी का डिस्टेंस यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर है, और जो लास्ट विलेज थांग विलेज है वो 4 किलोमीटर है तुर्तुक से। और ये जो बाल्टी रीजन के चार गांव हैं उनमें से सबसे बड़ा तुर्तुक ही गांव है, और बाल्टी कल्चर यहां पे पाया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। आप आके यहां पे स्टे करें, एक दो दिन स्टे करें, और यहां के कल्चर को बहुत ही एंजॉय करें। यहां के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, और 2010 के बाद ये एरिया आम टूरिस्ट के लिए खुला है, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम स्टे मिलेंगे, यहाँ पे आपका गेस्ट हाउस मिलेगा, टेंटिंग मिलेंगे, और इसके अलावा आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। तो अभी तो हम जा रहे हैं टैक्सी, जो कि लास्ट विलेज है, उसके बाद आगे जाने नहीं दिया जा रहा BVSF के द्वारा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। 2018 में तो मैं आगे गया था थांग विलेज तक, लास्ट जो पोस्ट है हमारे इंडिया की BSF की, वहाँ तक मैं गया था। तो वो अगर ब्लॉग देखना तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। अगर इससे आगे आपने देखना टैक्सी के आगे, तो एट लास्ट दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टैक्सी विलेज में। तो ये आसपास जितने घर दिखाई दे रहे हैं ये भी टैक्सी के घर हैं। तो आज हमारा जो स्टे है वो है होम स्टे में टैक्सी के। तो ऑलरेडी मैंने बुकिंग करा रखी है, तो अभी भाई ने बोला था कि आप बॉर्डर पे आके मुझे फ़ोन करना, तो मैं आपको रास्ता समझा दूँगा। तो अभी सीधा हम बॉर्डर पर अपने VSF के जाएँगे, वहाँ से फिर फ़ोन करेंगे भाई को, और वहाँ से फिर हम चलेंगे सीधा अपने होम स्टे पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम हैं BSF के चेक पोस्ट पे, और अब हम निकल रहे हैं K2 होम स्टे पे। BSF चेक पोस्ट है बिल्कुल सामने, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे लास्ट विलेज, जो थांग विलेज है। 2018 में मैं सीधा गया था और हमारे पास परमिट था उसका, थांग विलेज का। ये पूरा रूट बहुत ही खूबसूरत है, अगर आपने व्लॉग देखना तो ऊपर लिंक आ रहा होगा। ये देखिए बाइकर्स आते हुए ऊपर से टैक्सी विलेज से। आजकल थांग कोई नहीं जा रहा, तो टूरिस्ट जितने भी हैं टैक्सी विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पोस्ट भी दिखाई देती है यहाँ से। तो गाइस 8:00 और टैक्सी में हम पहुँच चुके हैं। 7:30 वैसे पहुँच गए थे वहाँ, फिर एंट्री वगैरह हमने करी, परमिट वगैरह दिखाया और ऊपर आ गए हम। और ये पीछे पार्किंग है, अंधेरा हो चुका है,
तो K2 होम स्टे में स्टे करेंगे, और जो भाईजान है हमारे तो वो उन्होंने यहाँ पे एक गाड़ी है, कार है, उसमें अपना सामान रख दिया है, और जो ज़रूरी सामान है वो हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम हैं K2 होम स्टे में, और अभी डिनर टाइम है, तो भाई ने बहुत ही बढ़िया डिनर बनाया, अभी खाएंगे। और है मटन, इसमें है दाल, राजमा, दाल राजमा है भाई, हमें दाल बोला, ये इनकी दाल यही होती है, और ये है चावल, ये रोटी, और ये है रोटी। चलो खाते हैं। Burn 'em, whopping niggas bucket, I'ma serve 'em. Spinning on a block with a mop, I disturb 'em.